हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिराग। मेरा नाम है प्रशांत। मैं हूं आशीष, और जो हमारा चैनल है वो है क्रिकेटिंग थॉट्स। तो आईपीएल 2020 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। बिल्कुल, पहला मैच भी हो चुका है। पहला मैच था सीएसके और मुंबई के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कहना नहीं चाहेंगे आप? शांत शांत कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, आप बकवास बंद करोगे जरा? ओके कर लेते हैं। देखो, गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं, ठीक है? और नेगेटिव पॉइंट पहला, प्लेयर दृष्टि है। प्लेयर दृष्टि है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं एग्जांपल ले कहूं तो दीपक चहर का पैर मुड़ रहा था, ठीक है, कभी उसकी निगल आ रही थी, कभी उसने मिसट्रीट करी। मुझे याद आया, पोलार्ड और रोहित शर्मा, उनके पेट निकले थे अच्छे खासे। उसका ये बताओ, उससे पहले मुझे ये बता कि आपका पेट क्यों निकला। पेट नहीं होता, नहीं, मेरे को एक बात बताओ, उसका पेट निकला तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सही बात है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तू खा, उनका पेट निकला, उनके अपने पैसे, अपना खुद खाया, आप किसे लेके तो नहीं खाया? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली में आपकी बात का आंसर दे रहा है। मेरी बात का आंसर दे रहा है इनडायरेक्ट। रोहित शर्मा और पोलार्ड का पेट क्यों निकला, इसका रीजन हमारे पास नहीं है। अब दूसरा, आपके पास बाप का खाते हमारा खाना है। एग्जैक्टली, दूसरा टॉपिक है आपके पास, धोनी 7 नंबर पे क्या कर रहे थे बैटिंग के लिए? क्या वो 4 नंबर, जो की स्टेटमेंट आई हुई थी कि वो 4 नंबर पे आएंगे, 7 नंबर? मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इतनी रिक्वायरमेंट नहीं लगी उसको, लगा कि पहला मैच है तो शायद मेरी जगह किसी और को ऊपर लाए। मतलब ये कहना चाहता है कि धोनी कह रहा था मैं चिल मारूंगा आराम से, पहले तुम जाओ। नहीं, ये तो ऐसा हो रहा था कि भाई वो नीचे जो प्लेयर बैठा था ना, दीपक चहर, वो भी कह रहा एक बंदे की वजह से, वो है सौरव गांगुली। पाकिस्तान से बड़ी बातें उठी थी और वो कह रहे थे कि भाई ये खिला नहीं सकते और यूएई में जाके खिलाएं जहां पे पाकिस्तान की मैचेस होते हैं। इनकी वजह से T20 कैंसिल हो गया। पाकिस्तान को कहना था कि इसकी इनकी वजह से T20 कैंसिल हो गया, सौरव गांगुली इसके पीछे था और वो पोलराइज करना चाहते हैं क्रिकेट। ये होगी हमारे पास सीएसके और मुंबई इंडियंस के बाद। अब अगर मैं स्टार्ट करूं आज के मैच के लिए, जो आपके पास है एसआरएच और आरसीबी के बीच, जो मेरी फेवरेट टीम है आरसीबी, और जो हारेगी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल यार, होता रहता है उनके साथ, होता रहता है हमेशा, हारते रहते हैं। एक मुझे बात याद आ गई इससे कि एक बार एक बंदा जब बैठा होता है उस पर जिन आता है, तो जिन आता है एक बार, वो कहता है कि इच्छा बताओ, कहता है आरसीबी में सपने में है कि जीत गई है, तो जिन कहता है पॉसिबल चीज बताओ, इम्पॉसिबल। ओह हाँ जी चिराग, अगर मैं आपसे पूछूं एसआरएच की आपके सबसे पहले ओपनिंग पार्टनरशिप क्या होगी? बेस्ट और डेविड वॉर्नर, ऑब्वियसली सारों की वही होगी, बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी यही होगी। चलो मैं भी आपके कहने पर रख देता हूँ कि बेयरस्टो और डेविड, ओपनर सील हो गया हमारे पास, ओपनर का स्लॉट हमारे पास जाता है डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो, ठीक है, जो सबके रहने वाले और खेलने वाले हैं। नंबर तीन चिराग, नंबर तीन पे आपका प्लेयर कौन सा? भाई साहब एक ही बंदा है और वो आगे भी गेम को बिल्ड करेगा और सबसे फेवरेट बंदा है, कप्तान भी रह चुका है एसआरएच का, बहुत पुराना बंदा है, केन विलियमसन। आई एग्री, वो डिजर्व करता है प्लेस, नंबर तीन पे केन विलियमसन खेल सकते हैं। आपका तीन पे क्या कहना है? मेरा जो तीन नंबर पे बैट्समैन है वो मेरे ख्याल से शायद 95% सभी का वही होगा, वो है केन विलियमसन ही है। 100% आप दो। चलो मेरा नंबर तीन पे कुछ अलग है, जो है हमारे पास मनीष पांडे, क्योंकि आपके पास मनीष पांडे ने इंडिया के लिए भी नंबर तीन पे काफी टाइम के लिए खेला। मेरे मैं एक बात कहना चाहूंगा, अलग कैसे, उसके तीन टांगे हैं क्या? नहीं नहीं, तीन नहीं है, दो ही, लेकिन वो इंडियन है। अच्छा चाहिए। अब नंबर चार, ये दिमाग लगा लेना। बिल्कुल, मैथ्स का टीचर यार, दिमाग तो लगा के लगा। नंबर चार में आपका क्या? नंबर चार में मेरा मनीष पांडे है, जो तेरा तीसरे नंबर में था, मेरा चौथे नंबर कूल हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। नंबर चार पे है मनीष पांडे, जो कि आपके पास फिनिश भी करके देगा। कूल तो वैसे कह रहे थे हमारे वाले कह रहे हैं। मेरे चौथे नंबर पे है पांडे मनीष, अलग है मेरा है शंकर महाराज, दैट इज विजय शंकर खेलने वाले नंबर चार पे, जो कि आपके पास फिनिशिंग का भी रोल कर सकते हैं। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्यों? अगर नंबर चार पे आपके पास विजय शंकर खेल रहा ना, तो पांचवे और छठे के लिए इतनी स्ट्रांग हो जाता है इनका लाइनअप, जो आपके पास इनको प्रॉपरली हिटिंग दे सकता है, ठीक है? बताओ पांच पे आप किसको खिलाना है? अभिषेक शर्मा बैट्समैन है, नंबर पांच अभिषेक शर्मा, मैं इसको चांस दूंगा। कुल आई एग्री, मैं नंबर पांच पे नया ही बैट्समैन है विराट सिंह, जिसने इस डोमेस्टिक सीजन में फाड़ के रख दिए, बॉलर्स को चीर के रख दिया उसने। अगर आप देखोगे ना, अच्छा खासा खेलता है विराट सिंह। विराट तो वैसे ही मेरा पांच नंबर, मेरा पांच नंबर वो है जो आपकी वीकनेस है। ओके, विजय शंकर नंबर पांच, ये ऐसे पर्सनल बात नहीं करनी। नंबर छह पे आप किसको खिलाना चाहोगे? मेरा तुम्हारा भाई राशिद खान।
नंबर छह पे मेरा सॉरी विजय शंकर। अच्छा विजय शंकर, आपका क्या होगा? विजय शंकर। ओके अभी तो लिखा हुआ है तब भी बोलिए। नहीं विजय शंकर। ओके नंबर छह पे विजय शंकर, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी चार और पांच पे खिलाया हुआ है। नंबर छह पे आपका प्लेयर? आपने वो मूवी देखी साहो? उसने दिखाना है किट पहनी हुई है, वो बस करके चल जाए। ओके कूल, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है इनकी टीम के अंदर, ये जरूर होना चाहिए तभी जीतेगी टीम। नंबर सात, नंबर सात में मेरा प्लेयर पहले बताता हूँ, राशिद खान, जो कि इनका की प्लेयर है। नहीं आप क्यों बताएंगे, हमारी तो उसकी है। मैं पहले बताऊंगा मेरा की प्लेयर है। चलो नंबर सात, नंबर सात है नटराजन। नटराजन ओके, आपका नंबर सात? नंबर सात मेरा थोड़ा अलग है, उसका नाम अभिषेक शर्मा। मैं इसकी तीन टांगे इसकी तीन टांगे हर्ष। नंबर आठ नौ दस ग्यारह आपके बॉलर्स क्या रहने वाले हैं, जरा लिस्ट से पढ़कर बता दो। बॉलर मेरे कहेंगे, मैंने आपको बताया विजय शंकर, मैं एज अ ऑलराउंडर खेल रहा हूँ, तो मेरा पहला ऑप्शन वही हो गया। तीसरे नंबर पे सिद्धार्थ कौल, तीसरे नंबर पे राशिद खान, ठीक है, और चौथे नंबर पे मेरा रहेगा भुवनेश्वर कुमार। ओके कूल, ये आपके पास चार बॉलर चार आपके टीम में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा, विजय शंकर मैं एज अ प्योर बॉलर नहीं खिलाना चाहूंगा, मैं इस पर इतना विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है, मैं नंबर आठ नौ दस ग्यारह पे मेरे जो बॉलर रहेंगे, एक स्पिनर रहेगा शाहबाज नदीम, जो अकंपनी करेगा आपके पास राशिद खान को, अफगानी को। फिर उसके बाद आपके पास रहेगा भुवनेश्वर, अफगानी चिकन नहीं अफगानी प्लेयर, ठीक है, मुंह में पानी आ गया आपके। नंबर नौ दस ग्यारह पे मेरा रहेगा भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और सिद्धार्थ कौल। आपका आठ नौ दस ग्यारह? संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल और राशिद खान, ये चार बॉलर। तो मैंने कहा यही तो यूज कूल, ठीक है। चलो आपके सामने प्रशांत जी की भी टीम आ चुकी है, आपके सामने तीनों की टीम आ चुकी है। अब हम स्विच करते हैं आरसीबी की तरफ। आरसीबी की तरफ कूल, हाँ आरसीबी में आपकी 11 के रहने वाली है। चिराग हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग पेयर के साथ, ठीक है। जो ओपनिंग पेयर मेरा रहेगा वो रहेगा फिंच और पतिकल। ओके फिंच और पतिकल, मेरा भी फिंच और पतिकल ही है। तू मेरा फिंच और पार्थिव पटेल रहेगा। ओह कूल, ये उतारना चाहते हैं पार्थिव पटेल को, जिनका कीपर भी उतारना चाहता बैटिंग करें तो ठीक रहेगा। तो आपका कीपर भी रहेगा पार्थिव पटेल, बिल्कुल ये। ओके ओके, नंबर तीन पे? नंबर तीन पे मेरे हिसाब से नंबर तीन पूछने का सवाल ही नहीं है, सबसे एक ही है टीम इंडिया का नंबर तीन विराट कोहली। नंबर चार, नंबर चार पे आप? नंबर चार भी मेरे को लगता है सबका सेम ही रहेगा, वो है एबी डिविलियर। हाँ मेरा मिस्टर 360 वो वही रहेगा, लेकिन आपकी टीम में खेलेगा लेकिन वो कीपिंग नहीं करेगा, कीपिंग करेगा पार्थिव पटेल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डन। नंबर चार में मेरा भी खेल रहा है एबी डिविलियर्स। अब नंबर पांच डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी जल्दी में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जाना है अपने मार्केट मार्केट का काम। अपनी नहीं, मैंने मार्केट में सब्जी लेने जाना है, सब्जी बनेगी नहीं खाएंगे कैसे खाएंगे, ये तो निकालेंगे। मैच के टीचर नंबर पांच में चिराग क्या रखना चाहेंगे? गुरकीरत मान, चंडीगढ़ का तेरा नहीं, गुरकीरत मान अच्छा प्लेयर है चंडीगढ़ का, क्या पता वो भी जा चुके हैं इधर, ठीक है। गुरकीरत मान नंबर पांच पे मेरा प्लेयर है मोइन अली, मैं जो गुरकीरत मान से ऊपर खिलाना चाहूंगा, मेरी टीम में भी है गुरकीरत मान लेकिन वो छह पे खेलेगा, पांच पे खेलेगा मोइन अली। आपके पास जो आपका फिंच के साथ ओपनर था उसका क्या नाम बताया आपने? देवदत्त पादिकल। हाँ मैं उसको खिलाना चाहूंगा पांच पे। नाम तो पता नहीं है खिलाएंगे पता तो आपको बहुत कुछ नहीं है। नंबर छह, इस वीडियो से पहले हमने कुछ बताया तो उसको कुछ नहीं। नंबर छह पे आप कौन खिलाना चाहोगे? शिवम दुबे खिलाऊंगा। ओके नंबर छह पे ये खिला रहे हैं शिवम दुबे। नंबर छह पे मैं शिवम दुबे या गुरकीरत मान में से किसी एक को खिलाना चाहूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में गुरकीरत मान से स्टार्ट करना चाहूंगा। आप कौन सा? मेरा वो दाढ़ी वाला मोइन अली खिलाना चाहूंगा नंबर छह, ठीक है कूल। नंबर सेवन चिराग चहल। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बॉलर आ गए इनके नंबर सात पे जो कि वीक कर देगा आरसीबी को। आप नंबर सात पे क्या खिलाओ? मैं वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर को खिलाना चाहूंगा, बेटर ऑप्शन। तो एक बात बताओ, आपने खिलाया तो स्पिनर को ही ना? अगर आप बट ही बैट्स, चलो ठीक है ठीक है। नंबर सात पे जो मेरा प्लेयर रहेगा विराट कोहली की पहली चॉइस हमेशा चहल रहेगा। आई एग्री आई एग्री। नंबर सात पे जो मेरा बैट्समैन रहेगा वो रहेगा बैट्समैन प्लस बॉलर क्रिस मॉरिस रहेगा, जो कि इस बार का की प्लेयर रह सकता है आरसीबी को, आरसीबी को जिताने के लिए और इस बार का टूर्नामेंट विनर। क्या क्या कहा आपने? जिताने के लिए? आरसीबी जिंदाबाद जिस हिसाब से कर रहे हो चलो आप भी जिंदाबाद लग रहे हो। नंबर आठ, नंबर आठ कौन खेलेगा आपका? नंबर आठ मेरा खेलेगा डेल स्टेन। नंबर आठ आपका खेलेगा डेल स्टेन, बॉलर बड़ी ऊपर उतार दिए सात पे आठ पे। आपका नंबर सात सॉरी नंबर आठ क्या रहेगा? मेरा चहल रहेगा। ओके नंबर आठ पे मेरा रहेगा वाशिंगटन सुंदर, जो आठ तक की बैटिंग का ऑप्शन देगा आपको, जो बॉलिंग भी करता है। नंबर नौ पे नवदीप सैनी। नवदीप सैनी कूल, मेरा भी सेम रहेगा कूल। वैसे नौ दस ग्यारह अगर मैं सीधा सीधा पूछूं तो मेरे पास जो बॉलर्स रहेंगे अपने बता दूं, उमेश यादव, नवदीप सैनी और युजवेंद्र चहल मेरा, क्योंकि मैंने चहल नहीं खिलाया था अभी तक। चहल, सैनी और तो मतलब तो टीम में तो रख रहा है ना, चाहे उसको बाद में खिला रहा है, तो ऑर्डर वाइज उसको। एग्जैक्टली आपके हिसाब से चार फॉरेन प्लेयर आपके कौन से होंगे? मेरे जो चार फॉरेन प्लेयर्स हैं वो है फिंच, एबी डिविलियर्स, मोइन अली और क्रिस मॉरिस। आपके चार प्लेयर्स मेरे हैं स्टेन,
मोइन अली, फिंच और एबी डिविलियर्स। मैं क्रिस मॉरिस को नहीं खिलाऊंगा और मैं सेम के साथ ही जाऊंगा कि भाई डिविलियर्स, फिंच और तुम्हारे यहाँ से मोइन अली और स्टेन। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा चाहते हैं कि प्योर बॉलर खेले। आपके पास 11 जो आपके पास आरसीबी और एसआरएच की मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से जीतेगा कौन, हु इज द फेवरेट टू विन द मैच, फिर आप पहले आपका आरसीबी। ओके, वेरी गुड। आपका चलो आपको टीम यहाँ पर देखनी है, अगर इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं, अपने कुछ सजेशन देना चाहते हैं, बिल्कुल कर देना। नहीं, कमेंट